अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मवाना में एक नाबालिग द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस का साफ कहना है कि नाबालिग के पिता द्वारा ही चार अलग अलग घटना बताते हुए रिपोर्ट दी गई थी, जिससे उसकी नियत पर सवाल उठते हैं। पुलिस का यहां तक कहना है कि परिजनों द्वारा ही नाबालिग के साथ दबाव बनाते हुए मारपीट की गई, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के आरोप में पुलिस ने एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में नाबालिग के परिजनों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आरोप है कि गत 19 जनवरी को मवाना के एक गांव में कक्षा 10 की छात्रा के साथ 60 वर्षीय बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। इसका मुकदमा 25 जनवरी को लिखा गया, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि पुलिस ने मामले को संदिग्ध माना। बताया गया कि इसे लेकर क्षेत्र में पंचायत हुई और पूर्व प्रधान ने पीड़िता के पिता को थप्पड़ मार गांव से जाने का फरमान सुना दिया, जिससे क्षुब्ध होकर नाबालिग ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने 12 घंटे घर पर ही शव को रखकर हंगामा भी किया। वो 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद व 10 बीघा जमीन का पट्टा दिलाने की मांग कर रहे थे। मामला अखबारों में आत्महत्या का आया तो पुलिस कप्तान ने मवाना थाने के प्रभारी विनय आजाद को लाइन हाजिर कर दिया। बीती रात पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और आज पुलिस अधीक्षक देहात अविनाश पांडे ने मीडिया को बयान दिया। आइए पहले सुनते हैं क्या बता रहे हैं पुलिस अधीक्षक। देखिए, दिनांक 12 तारीख को थाना मवाना पर डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस बालिका के परिजनों द्वारा इस बालिका के संबंध में एक रेप का मुकदमा भी थाना मवाना पर पहले पंजीकृत कराया गया था। इस घटना की जब पूरी समीक्षा की गई और घटना की संवेदनशीलता जो शासन की प्राथमिकता में है कि महिला संबंधी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहे, समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसमें 5 टीमों का गठन किया गया, तो इसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं। पहला आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 20 जनवरी से 25 जनवरी तक इस घटना के संबंध में 4 अलग अलग तहरीरें, जिसमें एक तहरीर में मारपीट, एक तहरीर में परिजनों द्वारा दोनों बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, एक तहरीर में छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास और एक तहरीर में जो ये बिटिया है उसके साथ बलात्कार की घटना लिखाई गई। समस्त तहरीरों की जांच की गई और जो थाना मवाना पर सबसे पहले तहरीर पहुंची उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, मेडिकल कराया गया, समस्त विधि कार्यवाही की गई। पर कल जो ये घटना हुई, इसके बाद जो सर्विलांस की टीम और साइबर सेल की टीम को लगाया गया और लोकल स्तर पर जो जानकारी जुटाई गई, उससे हमें एक मोबाइल मिला, उसमें कई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं, जिसमें जो पीड़िता थी, मृतका थी, उसका ये कहना है कि गांव स्तर की जो राजनीति चल रही थी प्रधानी के चुनाव को लेकर गुटबाजी में, उसमें एक थाने का हिस्ट्री शीटर है जिसने अब अपराध छोड़कर इस प्रकार के कृत्य करना शुरू किया है, और एक स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं राजेंद्र, उनके द्वारा ऐसा किया गया है और उनके द्वारा परिजनों को बहकाया गया है। उनके बहकावे में आकर परिजनों द्वारा इस बालिका को बंधक बनाया गया, पुलिस के पास नहीं आने दिया गया। बालिका को पुलिस पर भरोसा था कि अगर वो पुलिस के पास आएगी तो सच्चाई बता सकेगी, लेकिन उसे पुलिस के पास आने नहीं दिया गया। उसकी पिटाई की गई, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली है। इसमें जो मोबाइल और कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि मिली हैं, उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उनको केस डायरी का पार्ट बनाया जाएगा और जो समस्त लोग इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं या इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश उन्होंने एक मासूम बालिका के ऊपर की है, उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये बात सामने आई है कि जो बालिका का ताऊ है उसके द्वारा उसे बंधक बना के रखा गया और जो खलुए नाम की भाषा का यूज़ किया है, यानी कि डंडों द्वारा उसकी पिटाई भी की गई और उसे सच बोलने नहीं दिया गया। देखिए, एक थाने का हिस्ट्री शीटर है धीरज, कुछ अन्य लोग हैं और एक डॉक्टर, एक पत्रकार का नाम, जो कथित तौर पर एक पत्रकार है उसका भी नाम सामने आ रहा है। इन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो ये एक नेक्सस सामने आया है जिसमें एक बालिका की आवाज़ को दबाया गया है, उन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस मामले में यह भी नया मोड़ आया है कि पुलिस ने सच कहूं कि एक पत्रकार राजेंद्र कुमार सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि राजेंद्र ने इस मामले को अनावश्यक तूल दिया और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, साथ ही ऐसा माहौल बनाया कि आरोपी पक्ष से कुछ मोटी धनराशि मिल जाए। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि नाबालिग पर अत्याचार करने व उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की प्रक्रिया में नाबालिग की परिजन भी पुलिस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं और आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ चुका है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।